हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स की असेसमेंट वर्कशीट 5 करेंगे। डेट है इसकी 16 अक्टूबर 2021। और इसको शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, इनको पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन नंबर 1 है, डार्कन द सर्कल अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विद पेंसिल और पेन। सो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन के आगे एक सर्कल है। तो अगर मान लो आपको लग रहा है कि ए ऑप्शन सही है, तो उसके आगे वाले सर्कल को आपको इस तरीके से भरना है, ठीक है ना। सेकेंड है, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। इस प्रकार से 10 क्वेश्चन आपके असेसमेंट में पूछे गए हैं। सो यानी ये असेसमेंट आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि इस असेसमेंट को आप खुद से सॉल्व करें और लास्ट में इस वीडियो के द्वारा आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, इफ़ यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस विच इंस्ट्रूमेंट विल यू यूज, यानी अगर आपको किसी भी रेडियस का सर्कल बनाना है तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। कंपस, रूलर, सी है डिवाइडर और डी है प्रोट्रैक्टर। तो जितनी वर्कशीट्स हमने पढ़ी हैं उन्हीं में से आपका असेसमेंट है, सो बहुत इजी होने वाला है। तो देखो, रेडियस बनाने के लिए कोई भी हमें सर्कल बनाना है कितने भी रेडियस का, तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट उसके लिए यूज़ करेंगे। सो हमने क्या यूज़ किया था, ए हो जाएगा इसका सही आंसर, कंपस। कंपस यूज़ होता है किसी भी सर्कल को बनाने के लिए। सेकेंड है, इफ़ यू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड योर फ्रेंड ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.3 सेंटीमीटर, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो, अगर आपने एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और आपके दोस्त ने एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस है 5.3 सेंटीमीटर, तो आपका सर्कल बड़ा होगा, योर सर्कल इज बिगर। बी है, बोथ आर इक्वल, दोनों के बराबर होंगे। सी है, योर फ्रेंड सर्कल इज बिगर, आपके दोस्त का सर्कल बड़ा होगा। या फिर डी है, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, आपका है 3.5 सेंटीमीटर का, आपके दोस्त का है 5.3 सेंटीमीटर का, तो सिंपल सी बात है, 3.5 और 5.3 में कंपैरिजन कीजिए कि कौन सा बड़ा है। फर्स्ट देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, सो जाहिर सी बात है कि 5.3 जो है यहाँ पर बड़ा होगा। सो यानी 5.3 रेडियस का आपके फ्रेंड ने बनाया है, तो आपके फ्रेंड का सर्कल बड़ा है। सी इज द राइट आंसर, सी पे आप लोग जो है टिक मार्क लगा लेंगे। उसके बाद थर्ड है, इफ़ ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स मार्क ऑन अ पेपर, हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। सो यहाँ पर 2 पॉइंट्स बाय मिस्टेक दोबारा से लिख दिया है, ठीक है। तो अब देखिए, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, ठीक है। मान लो ये वाला ए पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट है, तो अब इन दोनों पॉइंट से कितनी रेखा गुजर सकती हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है नन, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है नन, ठीक है, और डी ऑप्शन है मैनी। तो यानी एक रेखा गुजर सकती है, कोई नहीं गुजर सकती, दो गुजर सकती हैं या कई सारी। तो देखो, एक ए है, एक बी है, तो अगर हम बीच में से एक लाइन खींचें तो 1 लाइन ही जो है इन दोनों के बीच में से गुजर पाएगी। सो ए इज द राइट आंसर, 1, ठीक है। उसके बाद आपका फोर्थ है, इन द गिवन सर्कल वेदर पॉइंट पी इज, इस सर्कल में पी जो पॉइंट है वो कहाँ है। इंटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल के अंदर, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल के बाहर, ऑन द सर्कल, सर्कल पर, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, थोड़ा हम जूम भी कर सकते हैं, यहाँ पर जो पी है वो आपको कहाँ नजर आ रहा है, ये सर्कल है आपका सर्कल के अंदर यानी इंटीरियर में ही तो पी नजर आ रहा है। सो बड़ा ईजी है ये क्वेश्चन, इसका हो जाएगा ए, इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के अंदर वाले भाग में। फिफ्थ है, इन द सेट स्क्वायर हाउ मेनी लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर लाइन वो होती हैं जो 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। वर्कशीट में सब कवर हम लोग कर चुके हैं। तो ये आपका सेट स्क्वायर होता है, सेट स्क्वायर में कितनी लाइन परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये देखिए, एक ये हो गई और एक ये अंदर वाली हो गई। सो यानी 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, सेट स्क्वायर में 2 लाइन जो है परपेंडिकुलर होती हैं। सो ए है 3, बी है 2, सॉरी बी है 1, सी है 2 और डी है नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। सो आंसर क्या रहेगा इसका, इसका आंसर रहेगा सी, यानी 2, यानी 2 लाइंस जो है परपेंडिकुलर होंगी।
सिक्स्थ क्वेश्चन है, इफ यू मार्क अ पॉइंट ऑन अ डोर, हाउ मेनी परपेंडिकुलर्स कैन यू ड्रॉ फ्रॉम दिस पॉइंट टू द बेस ऑफ द डोर। डोर का बेस, किसी भी चीज़ का बेस क्या होगा? देखिए ये है डोर का बेस, ठीक है, नीचे वाला जो पोर्शन है ये डोर का बेस है। अब अगर आप इस डोर पर एक पॉइंट रखते हैं तो उस पॉइंट से आप कितने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं बेस तक, ठीक है। तो देखिए अगर आप ऐसे एक लाइन खींचें, इस पॉइंट से आप ऐसे सीधी लाइन खींच दें बेस तक, तो क्या देखिएगा आपको, ये जो है परपेंडिकुलर बन जाएगा, क्योंकि ये देखिए 90 डिग्री तो बन रहा है, ये 90 डिग्री बन जाएगा। सो यानी आप सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर बना सकते हैं, ठीक है। सो इसका हो जाएगा आपका C है 1। हमने देखा ना सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर बन रहा है, सो यानी 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शंस देखिए इन्फिनिट था, 2 है, 1 है और 4 है, तो इनमें से क्या हो जाएगा, इसमें से सी हो जाएगा 1। सेवन है, इफ़ यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन, विच इंस्ट्रूमेंट विल यू बी यूज। अगर आप किसी भी जो है लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना चाहते हैं इस तरीके से, तो आपको बताना है कि आप कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे। ए है सिर्फ रूलर का, बी है रूलर और कंपास का, बी है देखिए इसी था, सी है रूलर और कंपास का, बी है प्रोट्रैक्टर का और डी है नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। देखो पर जो बाइसेक्टर हमने बनाया था अपनी वर्कशीट में, तो हमने किसका यूज किया था, रूलर और कंपास का। सो सी इज द राइट आंसर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। एक्स वाई सेज आई एम अ लाइन सेगमेंट, वी राइट इट एज। जो एक्स और वाई है वो कहता है कि मैं एक लाइन सेगमेंट हूँ, लाइन सेगमेंट यानी एक सीधी रेखा। तो अगर इस तरीके से एक पॉइंट एक्स है, एक पॉइंट वाई है, तो यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, तो इसको हमने सीखा था वर्कशीट में, पहले एक छोटी लाइन खींचिए और एक्स वाई उसके नीचे लिख दीजिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक लाइन है जिसके पॉइंट है एक्स और वाई, अगर हम नीचे ए और बी लिखेंगे तो यानी ए और बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो एक्स वाई एक लाइन सेगमेंट है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, केवल एक्स बाय, बी है एक्स वाई के ऊपर एक छोटी लाइन, सी है एक्स वाई के ऊपर एक एरो, डी है एक्स वाई के ऊपर दोनों तरफ एरो के साइन, ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका बी, एक्स वाई के ऊपर एक लाइन। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक्स वाई एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। नाइन्थ है, हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग अ सिंगल पॉइंट एज अ सेंटर। कितने सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं अगर हम बीच में एक सेंटर मान लें, एक पॉइंट को हम सेंटर मान लें, तो उस पॉइंट से हम कितने सर्कल ड्रॉ कर पाएंगे। तो बहुत ईजी है, देखिए कितने भी हम सर्कल ड्रॉ करना चाहें, कितने भी इन्फिनिट सर्कल जो है ड्रॉ हो सकते हैं। तो ए है 1, बी है मोर पॉइंट्स आर नीडेड, सी है मैनी, डी है नन, यानी कि सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ होगा, या फिर काफ़ी सारे पॉइंट्स चाहिएंगे, या फिर काफ़ी सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं, या फिर कोई भी नहीं हो सकता। सो सी है मैनी, यानी कई सारे ड्रॉ हो सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट है उससे तो हम कंपास लेकर चाहे कितने भी जो है ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद टेंथ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ अ सर्कल। सर्कल के एग्जाम्पल कौन से हैं, क्रिकेट बॉल, बैंगल, रसगुल्ला या फिर एग। तो देखो क्रिकेट बॉल, रसगुल्ला त्रिडी हो जाते हैं, सर्कल की बात की गई है, तो हम लोग किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, बैंगल का यानी चूड़ी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सो सी इज द राइट आंसर, सर्कल का एग्जाम्पल है बैंगल्स, ठीक है ना। सो यहीं पर आज का असेसमेंट फिनिश होता है, आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी आज की वर्कशीट। सो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।